सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jamil Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. 12 मार्च 2021 वैसे तो कैलेंडर में एक तारीख है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी अपनी अहमियत होगी। वो इसलिए कि 12 मार्च 2021 को आम लोगों और तज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से एक बॉल पर दो विकेटें गिराई गई हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब सेनेट के इंतखाबात हुए और 2021 के सेनेट इंतखाबात में गिलानी साहब की जीत और शेख साहब की हार के बाद हुकूमत को एक फेस सेविंग की ज़रूरत थी, और उसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यह मशवरा दिया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, थोड़ी सी फेस सेविंग मिली, लेकिन यह कतई तौर पर तसव्वुर नहीं किया जा रहा था कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे। यह भी तसव्वुर नहीं किया जा रहा था कि डेप्टी चेयरमैन सेनेट भी हुकूमती इत्तेहाद का ही बंदा होगा। तो ये दो सीटें जो हुकूमत ने अपने नाम कर ली हैं, ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर की जा रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इमरान खान साहब के लिए बतौर वजीर आजम तमाम चैलेंजेस खत्म हो गए हैं? क्या चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इमरान खान साहब के लिए आखिरी चैलेंज था? क्या अब हुकूमत के लिए तमाम रास्ते हमवार हो चुके हैं? तो ये हुकूमत की और हुकूमती हलकों से वाबस्ता लोगों की खाम ख्याली है। ये इमरान खान साहब के लिए नए चैलेंजेस की शुरुआत है। हुकूमत वक्त के लिए असल चैलेंज का वक्त तो अभी शुरू हुआ चाहता है। खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बढ़ती हुई महंगाई है, आम आदमी का जीना दोबर हो गया है, और सबसे बड़ा चैलेंज मुतवस्सित तबके के लिए भी है जो अपना गुजर बसर तनख्वाह पर करता है लेकिन उनका महीना ठीक से गुजर नहीं पाता है। खान साहब स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे? खान साहब महंगाई कम करने के लिए इकदामात कैसे करेंगे? खान साहब सेनेट में चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट तो अपना ले आए हैं, लेकिन लेजिस्लेट कैसे करेंगे? खान साहब लूटी हुई दौलत वापस कैसे लाएंगे? खान साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मामले के ऊपर और मियां नवाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर एक्शंस लेते हुए कब दिखाई देंगे? मुल्क में बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो पैसा लेकर बैठे हुए हैं, उनका पैसा वापस लाने के लिए इकदाम कैसे होंगे? रिफॉर्म्स तो फिर भी अक्सरियत से होने हैं, सिर्फ चेयरमैन सेनेट या डेप्टी चेयरमैन सेनेट से तो रिफॉर्म्स नहीं होने। तो वो रिफॉर्म्स किस तरह होंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #SenatePolls। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान जनाब मलिक आमिर डोगर साहब, आप रुकने कौमी असेंबली और मुआवने खुसूसी बराए वजीर आजम पाकिस्तान हैं। जनाब कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात। जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब सीनियर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान ग्रुप। और जनाब अनवर मंसूर खान साहब, आप साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में मलिक आमिर डोगर साहब को, आप एमएनए भी हैं और मुआवने खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुबारकबाद, हुकूमती इत्तेहाद चेयरमैन सेनेट डेप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों सीटें ले उड़ा। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बॉल पर दो विकेटें ये किस तरह गिरा दी गई हैं? सर कुछ फार्मूला हमारे तवस्त से पीडीएम को भी बता दीजिए। मलिक साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की इत्तेहादी तमाम सेनेटर्स का कि अल्लाह ताला ने शुक्र अदा किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों कामयाब हुए और इस पर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमिर साहब ये जोड़ तोड़ कैसे कर लिया आप लोगों ने, ये कोई फार्मूला तो बताएं। आई मीन के पता चला कि इतने सारे वोट मुस्तरद हो जाते हैं, ये कैसे कर लिया? और आप तो पेश पेश थे उन लोगों में। भाई ये कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। ये कुदरत का एक असूल है कि जो किसी के लिए गढ़ा खोदता है सबसे पहले वो खुद उस गढ़े में गिरता है। जो गढ़ा खोदा था
यूसुफ रजा गिलानी और उसके बेटे ने हफीज़ शेख के इलेक्शन में उसी घड़े में वो खुद जाकर गिर गए। तो ये सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने कल दिखा दिया और पीडीएम को और इस मुल्क की दौलत लूटने वालों को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। और ये भी वाज़े हो गया कि पीडीएम अंदर से ख़ुद भी संजीदा नहीं है और इनकी लड़ाई और झगड़ा और अपोजिशन ज़ाती मफादात के लिए, अपने फवायद के लिए, अपने एनआरओ के लिए है। ये बात तो सामने आ गई। अल्लाह ताला ने मेरे लीडर इमरान खान को इज़्ज़त दी क्योंकि वो साबित कदम है, वो ईमानदार है, वो इस मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर सियासत में आया है। इमरान खान तो सियासत से पहले भी बहुत बड़ा नाम था, बल्कि दुनिया के चंद बड़े नामों में बड़ा नाम था और उसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो तो आया है इस माफिया से लड़ने के लिए और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब बनाएगा और पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो गरीब अवाम हैं, नौजवान हैं, पाकिस्तान की ख्वातीन हैं, वो उसके बाजू हैं, बाजू बनेंगे और इमरान खान इस जद्दोजहद में ज़रूर कामयाब होगा। वो तो बिल्कुल ठीक है डोगर साहब, आवाम चाहती है कि एक ईमानदार लीडरशिप हो जिससे मामलात बेहतर हों, लेकिन फिर भी सवालिया निशान है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लाइक महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, आज मुर्गी की कीमत 500 रुपये फी किलो से ऊपर जा चुकी है, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है, 2.5 साल के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बजाते खुद एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसी सूरत हाल में अब जबकि आपके पास सेनेट के अंदर अक्सरियत तो नहीं, लेकिन फिर भी चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आपका है, आप किस तरह से चीज़ों को ठीक कर पाएंगे? कोई प्लान वे बनाया है, रोड मैप बनाया है, या अगले 2.5 साल भी ऐसे ही गुजरने हैं डोगर साहब? देखिए भाई, एतमाद का वोट तो इसलिए लिया कि कौम के सामने इमरान खान ने साबित किया कि उनकी मंजिल इकतदार का हसूल नहीं, कुर्सी उन्हें अजीज़ नहीं है, उन्हें इस मुल्क की अवाम का मफाद और हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने फौरन इस चीज़ का फ़ैसला किया कि मुझे फौरन इखलाकी तौर पर एतमाद का वोट लेना चाहिए। और वो 178 अराकीन ने सामने, दुनिया के सामने, आपके सामने ओपनली इमरान खान की ज़ात पे एतमाद किया। और सेनेट में भी कल फिर एक बार इमरान खान की ज़ात पर सेनेटर्स ने एतमाद किया, लेकिन मजमूई तौर पर इन 15 दिनों में जितनी पाकिस्तान की सियासत गंदी हुई है, पाकिस्तान के 70 सालों में नहीं हुई। और आवाम के नुमाइंदे, पढ़े लिखे लोग जिनको माशरे में रोल मॉडल होना चाहिए, और जो उन्होंने कौमी असम्बली में किया और जिस तरह से कल हाल सेनेट में हुआ, तो इमरान खान का बयानिया सच साबित हुआ कि वो चाहता है कि साफ सुथरी सियासत हो जिसमें अखलाकियात हो, शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ओपन शो ऑफ हैंड हो, ताकि जिसका जो मैंडेट है नतीजा उसके मुताबिक निकले। लेकिन मैं तो मजमूई तौर पर, लेकिन डॉक्टर साहब, तालिबे इल्म, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल से बहुत रंजीदा हूँ। आइए, आज भी कौम आपको देख रही है, पाकिस्तान के सियासतदान ही मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क को आगे ठीक बनाएंगे, और वो उसकी शक्ल इमरान खान की शक्ल में आज जिंदा है, और सियासतदान ही था कायद आज़म जिसने इस मुल्क को बनाया, और फिर एक सियासतदान ही था जिसने इस मुल्क को आइन दिया। लेकिन आज हम अपनी कौम को क्या दिखा रहे हैं? कौम की अखलाकियात तबाह करके रख दी है इन सियासतदानों ने, जिन्होंने भेड़ियों की तरह इस मुल्क को लूटा, नोचा, और आज फिर अपने मुंह पे लबादा ओढ़कर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर। तो भाई, इस मुल्क में अगर आज कोई लीडर है जो इन माफियाज़ का मुकाबला कर रहे हैं, और जिस तरह आपने महंगाई की बात की, महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जगह जगह माफियाज़ हैं, घी का माफिया है, पोल्ट्री का माफिया, आप जानते हैं पोल्ट्री किसके हाथ में है, शुगर का माफिया, आप जानते हैं कि शुगर मिलें किन की हैं, ठीक है? नहीं, वो आपके इर्द गिर्द भी तो माफिया से लड़ रहा है, वो आपके इर्द गिर्द भी तो माफिया तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि माफिया है। यकीनन, यकीनन का मामला अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ हम IMF की भी इस्लाहात और उनकी जो तजवीज करदा शरायत है उनको मानने के चक्कर में भी तो कर रहे हैं ना, ये भी तो मामला है डोगर साहब। नहीं नहीं नहीं, इमरान खान तो असूलों पर कभी कंप्रोमाइज ना करने वाली जात का नाम है। इमरान खान के यकीनन इर्द गिर्द भी माफियाज हैं, असेंबली में भी माफियाज हैं,
वो सियासतदान हैं जो वोटों की खरीदो फरोख्त करते हैं, जो वोटर्स का ज़मीर ख़रीदते हैं और पाकिस्तान के अवाम के सामने सियासत को एक गाली बना देते हैं। तो आज मैं तो यही आपके बोल के चैनल की वसादत से देखने वालों को कहूँगा कि सियासतदानों को रोल मॉडल बनना चाहिए। कोई वक्त पीछे जो गुजर गया उसको छोड़ें, आगे आएँ, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इमरान खान का साथ दें, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपने आप को साफ़ करें, अपनी सियासत को साफ़ करें, वो सियासत करें जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत थी, वो सियासत करें जिस रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट इमरान खान ने दिया उसमें वो सियासत करें। महंगाई है, दिन रात प्राइम मिनिस्टर हमारी हुकूमतें कोशिशें हैं, हमारे लिए बहुत चैलेंज है, बहुत पुरअज़्म है प्राइम मिनिस्टर के महंगाई के इस जिन को जो बोतल से बेकाबू होकर निकला उनको दोबारा से उस बिल में उस बोतल में डालें और माफियाज का मुकाबला करें। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान सुरखरू होगा। पहले मरहले में इमरान खान ने इन माफियाज को बेनकाब किया, अब दूसरा मरहला आएगा जिसमें इंशाल्लाह इमरान खान इन माफियाज की सरकोबी करेगा और इनको इस कौम के सामने इबरत का निशान बनाएगा। राइट, अच्छा अब जिस तरह आपने पहले कहा कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने पिछले 15 दिनों में बहुत गंद मचाया है और इसमें कोई शक भी नहीं है, उसमें हर तरफ से एक हाहाकार मची हुई थी, हम देख रहे थे, पैसा फेंकने की बात थी। अगर आप लोगों की नज़र में गिलानी साहब के सेनेटर मुंतखब होने के मामले के ऊपर पैसा चला यानी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो क्या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है डोगर साहब? नहीं, मैं तो इससे बढ़ के बात करूंगा ना कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कल जो 7 सेनेटर्स जिन्होंने यूसुफ़ रज़ा गिलानी के नाम पर ठप्पा लगाया है उन्होंने जानबूझकर यूसुफ़ रज़ा गिलानी का वोट मुस्तरद किया है, जानबूझकर। और अगर ये आज से कल से अपोजिशन कह रही है कि जी नाम के ऊपर भी मोहर लगाएं तो वो ठीक होती है, और एहसन इकबाल साहब का भी मैं देख रहा था बड़े अदालती फैसलों की कौम को मिसालें दी जा रही हैं, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। बड़ी सिंपल बात है, जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें जमील साहब नाम होता है, नाम होता है और नाम के सामने वाले डब्बे में सिंबल होता है, वहाँ सिंबल पर मोहर लगाई जाती है। और कौमी असम्बली के और सैनेट के इलेक्शन में नाम होता है और नाम के सामने उसी तरह चकोर बॉक्स होता है, उसके अंदर या मोहर लगाई जाती है या वन लिखा जाता है, नाम के ऊपर सिंबल के ऊपर मोहर लगाई जाती है। जनरल इलेक्शन में, सेनेट और कौमी असम्बली के इलेक्शन में कवानीन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वो 7 सेनेटर तहरीक इंसाफ के ये इतिहादियों के होते तो वो सादिक संजरानी के नाम पर मोहर लगाते, सादिक संजरानी का वोट ख़राब करते, उन्होंने यूसुफ़ रज़ा गिलानी का वोट ख़राब किया है। और अगर उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो ये कहते हैं कि जी वो जानबूझकर नहीं हुआ बल्कि गलती हुई है और प्राइजाइडिंग ऑफिसर बाइस थे और वो यकतरफा थे, तो फिर ठीक एक घंटे के बाद इतने बड़े झगड़े के बाद जो कौम ने देखा जब वाइस चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो उन 7 सेनेटर्स ने हमारे वाइस चेयरमैन मिर्ज़ा अफरीदी के नाम के सामने उस डब्बे में मोहर लगाई है और 54 वोट दिए हैं। तो इससे ये साबित हो गया कि पीडीएम के सेनेटर्स अब रो रहे हैं, लेकिन डोगर साहब कोई फायदा नहीं। डोगर साहब, इमरान खान ने तो पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तुमने इस कौम को लूटा है, तुम्हारी चोरियां, तो भाई पहले ही इमरान खान की बात मान लाते, साफ शफाफ शो ऑफ हैंड पे आ जाते एक दिन में। फारूकी साहब, अगर ये पीडीएम और सारी जमातें मिल जाए तो एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर सकते हैं, एक दिन में इलेक्शन कानून में तरामीम ला सकते हैं एक दिन में, लेकिन इनकी नियत नहीं थी क्योंकि ये मंडिया लगा के पैसा कमाते हैं, इनका कारोबार है। तो इस सारी सिचुएशन का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हुआ? गवर्नमेंट हुई ना। अगर वोट मुस्तरद हुए हैं गिलानी साहब के तो उस सूरत हाल का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? हुकूमत है। और अगर हुकूमत अल्टीमेट बेनिफिशियरी है तो ये कयास तो किया जा सकता है पीडीएम वालों की जानिब से भी और पब्लिक की जानिब से भी कि इस इंतखाब के अंदर भी पैसा चला है, क्या आप इसको रद्द कर सकते हैं इस कयास को डोगर साहब कि पैसा नहीं चला? भाई बात बेनिफिशियरी की और लूजर की नहीं है, बात है उस तब्दीली के नारे की जो नारा इमरान खान लगा रहा है। इस मुल्क को तब्दील करना चाहता है, इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करना चाहता है, इस मुल्क को कायदे आज़म का हकीकी मानों में पाकिस्तान बनाना चाहता है। इमरान खान तो पहले दिन से ही कह रहा था कि वोट चोरी होता है,
अब सेनेट में हुआ है या कौमी असम्बली में हुआ है, तो इसके जिम्मेदार ये खुद हैं, ये खुद सियासतदान है, जो मैं फिर कह रहा हूँ जो खुद इस बड़े बेनिफिशरी होते हैं। अगर नेशनल असम्बली में हुआ है तो फिर जनाब बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े कह के मार रहे हैं, और अगर सेनेट में हुआ है तो रो रहे हैं। और भाई ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई, तुम्हारे तुम अपने हाउस इन ऑर्डर करते, अपने वोट 49 थे या 50 थे, पूरे के पूरे लेते। जब सेनेट के इलेक्शन में हमेशा आप जानते हैं जब खुफिया वोटिंग होती है तो उसमें सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं उन सारे हरबों का मुखालिफ हूँ, इमरान खान उन सारे हरबों का मुखालिफ है। इमरान खान बिल्कुल ठीक है, तो फिर अब आप लोग लेजिस्लेट करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखें अगर यही सिलसिला 2021 में हुआ है और उसके बाद दोबारा से 3 साल बाद होता है या नए आम इंतखाबात में होता है तो फिर बात तो वहीं पर आ गई। तो आप लोग किस तरह से अपनी कम अक्सरियत के बावजूद लेजिस्लेट करवा पाएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज को? हम तो इसमें सीरियस हैं, हमने अमली तौर पर काम शुरू कर दिया लेजिस्लेशन पर। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा एक पैकेज है। 4 दिन पहले नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट्री अफेयर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है, उसमें वो मसवदा डिस्कस हुआ है, जो इंतखाबी इस्लाहात का मसवदा है। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में 2 दफ़ा बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर खुद मीटिंग कर चुके हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी बात करते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक की भी बात करते हैं, वो ये इलेक्शन जो खुफिया राय वोट से होता है वो उसको ओपन शो ऑफ हैंड की बात करते हैं, और उसके अलावा भी वो ओवरहाल 2018 का इलेक्शन, उससे पहले के इलेक्शन में जितनी खामियां खराबियां हुई हैं उसको दूर करने की बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि 2023 का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की तारीख का एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, ताकि कोई शख्स भी उस इलेक्शन की शफाफियत पर उंगली ना उठा सके। और अगर 2023 का इलेक्शन इमरान खान साफ शफाफ करा गया इंशाल्लाह, जो कराएगा, तो फिर ये इमरान खान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के अवाम की तब्दीली के लिए बहुत बड़ा संगे मील साबित होगा, और वो इंशाल्लाह इमरान खान करेगा। हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं, अपोजिशन के पास एक बिल है, असेंबली में लेकर एक मिसरा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कोई ऐसी बात नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात है पवस्ता रहा शजर से उम्मीद भार रख, और वो आपके शेर का जवाब के इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये कैमरों वाला क्या मामला था सर, ये जो खुफिया कैमरों वाला मामला था क्या मतलब अब हमारी एजेंसियां और हमारी हुकूमत इतनी नाइल है कि आप लोगों को कैमरे लगाना भी नहीं आते? कि देखे कैमरों ने दूर दूर से देख कर मुस्तफा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक को चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आओ हम इधर खड़े हैं, हम कैमरे इधर लगे हुए हैं, आओ इधर आओ हमें ढूंढ लो। तो इतनी तो एहलियत होती लगाने वालों में, कैमरे ठीक जगह पर लगाते। अगर आप मेरी बात माफ करें, हजूर माफ करें, ये ड्रामा था जो उन्होंने खुद रचाया अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए। वो तो प्रेजिडिंग ऑफिसर की सीट के सामने 2 बड़े हाई पावर रिवॉल्विंग कैमरे लगे हुए हैं, जो एक एक चीज़ को नोट करते हैं और उसको कैच करते हैं। उसके अलावा भी हाल में कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए थे आपको पता? नहीं पता, कैमरे लगे हुए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर हुकूमत की ये नीयत होती कि हमने हर कैमरे की नज़र से उस वोट को चेक करना है, वॉच करना है, तो अब तो हर मेंबर की जेब के अंदर मोबाइल है, पेन के अंदर कैमरा है। ये सब शोशे हैं, सब घटिया प्रोपेगेंडा है जो इस पीडीएम का हमेशा हुआ है, जो हमेशा अल्लाह ने करम किया और अवाम ने मुस्तर्द किया है। तो क्या कल के इलेक्शन में भी बहुत सारे सेनेटर्स हैं जिन्होंने वोट डालते हुए तस्वीर बनाई है, मुझे भी दिखाई है। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, कोई पागल का बच्चा नहीं है कि कैमरा सामने लटका रहा हो और रखा हो कहे जी हमने इस काम के लिए किया। ये सब जाहिलाना गुफ्तगू है। तो हमारे यहाँ एक सियासी कल्चर है कि जो हार जाता है वो वावेला मचाता है, तो इस खास केस के अंदर जब सेनेट में चेयरमैन भी आपका है इत्तेहादी हुकूमती का और साथ में हुकूमती रुकन ही डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट है, तो इस सूरत हाल के अंदर जो धांधली का वावेला मचा है, अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस हैं भी या नहीं है डोगर साहब? हजूर बात यह है कि लीगल ऑप्शंस पे तो मैं कोई बहस नहीं कर सकता, हर शख्स को हक है अपना
अपना कानूनी रास्ता इख्तियार करने का, लेकिन ये वावीला नहीं है, ये इनका रोना है। और इमरान खान इनको और रुलाएगा, इन्होंने 70 साल इस कौम को रुलाया भाई, धांधली तो 70 साल से नारा लग रहा है, उसी तब्दीली के लिए तो इमरान खान कह रहा है कि आओ बैठो 2023 का ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन कराओ कि फिर कोई धांधली की बात ना कर सके, कोई वोट चोरी की बात ना कर सके, कोई खरीदो फरोख्त ना हो। तजियाकार एक और बात भी कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि नून लीग ने अपनी जो ख्वातीन की नशस्त थी उस पे हारने का बदला लिया है और गिलानी को मुंतखब नहीं होने दिया चेयरमैन सेनेट, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखें, पहली तो बात है कि इनके मफादात अलग अलग हैं। मरियम का मफाद है कि ये सिस्टम रोल बैक हो, क्योंकि उसको ये सिस्टम चले 2.5 साल चले उनको कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मरियम लाइन लेती है नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ हुआ जो इस मुल्क का भगोड़ा है, जो बाहर बैठा है, अगर उसमें इखलाकी जुरत है, एक बेटी को आगे किया हुआ है, खातून को आगे किया हुआ, खुद आगे फेस करे। वैसे जी बड़े असी शेर हाँ, जी बड़े असी शेर हैं, सारे गीदड़ों की तरह एक औरत को ढाल बना के उसके पीछे छुप गए हैं, एक बात। दूसरी बात है वो तो चाहता है कि रोल बैक हो। हाँ, पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये हुकूमत, ये असेंबली चले, क्योंकि असेंबली चलने में उनका मफाद है, उनकी सिंध में हुकूमत है। तो लेकिन अब इमरान खान को इस कौम ने आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर 2023 तक मुंतखब किया है और 2023 तक इमरान खान अपनी हुकूमत करेगा। अब कौम का हम पर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले 2.5 सालों में हम कोई विजिबल तब्दीली ला सकेंगे, अवाम की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा कर सकेंगे, वो तो जमहूरियत के समरात हैं, वो अवाम तक पहुंचा सकेंगे? महंगाई से इस अवाम की जो चीखें निकली हुई हैं उनकी कोई दाद रसी कर सकेंगे? ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी नीयत साफ है, हमारे हाथ साफ हैं, हम इस चैलेंज से जरूर नबर्द आजमाएंगे। डॉक्टर साहब, नीयत पे तो कोई शक नहीं है खान साहब के, खान साहब के ऊपर पूरी कौम का एतमाद इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि किसी ऐसे शख्स ने जिसका कोई खानदानी सियासी बैकग्राउंड नहीं है और वो इनहेरिटेड पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, तो 25 साल जिद्दोजहद के बाद वो पॉलिटिक्स में आए, अब इक्तदार में आए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए खान साहब से लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन उनकी नीयत के ऊपर किसी का शक नहीं है। लेकिन हैविंग सेट दिस ऑल, एक बड़ी प्रोएक्टिव किस्म की अपोजिशन आपके सामने खड़ी हुई है। अब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की बात की गई है, यानी मार्च में मार्च की बात की गई है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं? जिस तरह आर्या पार की बात की गई थी आप लोग तैयार थे, आप आने वाले लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं डोगर साहब तौर गवर्नमेंट? हम हर तरह के लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च के लिए तैयार हैं, अपोजिशन जो भी करे हम उसके लिए तैयार हैं। हमें ना कोई अपोजिशन से घबराहट है, ना कोई ख़तरा है, अपोजिशन बेनकाब हो चुकी है, ये अपनी साख खो चुकी है। इमरान खान से लोग इख्तलाफात कर सकते हैं, इमरान खान की ज़ात से लोग नफ़रत नहीं कर सकते, इनसे और इनके बड़ों से लोग नफ़रत करते हैं। इमरान खान की जितनी भी पुअर से पुअर परफॉर्मेंस हो, मेरी एक बात याद रखना, पाकिस्तान के बाशऊर अवाम ये मुल्क बिलावल और मरियम के हाथ में नहीं दे सकते, ये बात मेरी याद रखना। मसीहा इस मुल्क का इमरान खान ही है, और ये तजुर्बा, ये इंशाल्लाह कामयाब होगा, उसका विजन कामयाब होगा, उसका मकसद कामयाब होगा। तो अगर ये 26 मार्च को धरना देकर बैठ जाते हैं और कहते हैं गवर्नमेंट जब तक नहीं जाएगी हम नहीं उठेंगे, जिस तरह इन्होंने अक्टूबर 2019 में किया था, तो फिर आप क्या करेंगे डॉगर साहब, आपका लाहे अमल क्या होगा? देखिए, ये 26 दिन धरना करें या 126 दिन धरना करें, 126 दिन का धरना था असूलों पर, ये धरना इनकी चोरी बचाने पर। जो भी उस वक्त के जो भी मुमकिन इकदाम होंगे, हुकूमत कायन कानून और आइन के अंदर रहते हुए वो तमाम इकदाम करेगी। राइट, एक आखिरी सवाल, मियां नवाज शरीफ साहब को कब वापस ला रहे हैं सर? बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर उनमें कोई इखलाकी जुर्रत है, अब छोड़ दें अपना हैरिट्स की शॉपिंग और लंदन की जो सेंट्रल लंदन की वॉक्स और अपना जो सैरो सियाहत जो लंदन में वो कर रहे हैं, अगर वह मुल्क के इतने खैर खां हैं, और कौम ने अब तो वीडियोस चलते फिरते देख लिया, माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद है, आए पाकिस्तान में बैठें,
सियासत करें, अपने उन मुकदमात का सामना करें जिनमें वो सजा याफ्ता हैं, और कौम को जवाब दें अपनी करप्शन और चोरी का। एब्सोल्युटली राइट जनाब। मलिक आमिर डोगर साहब, मुल्तान से आप MNA हैं और इसके आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआवन खुसूसी, आपने एक्सक्लूसिवली स्पेशली हमारे लिए आज वक्त निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दीगर गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में अपने दीगर गेस्ट पैनलिस्ट के साथ साथ हमें जनाब कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है। कायरा साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक राय बड़ी तकवियत पा रही है और वो राय ये है कि हुकूमती इत्तेहाद ने PDM के एक बॉल के ऊपर दो विकेटें उड़ा दी हैं। ये राय किस हद तक दुरुस्त है, आप इसके ऊपर कैसे कॉमेंट करेंगे कायरा साहब? अगर इसको विकेट कहा जाता है, अगर इसको फेयर प्ले कहा जाता है, तो फिर तो बहुत मुबारक हो इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को, हुक्मरान जमात को। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो एक शर्मनाक दास्तान है कि क्लियर कट वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को पड़े हैं, हक में कास्ट हुए हैं, वैलिड वोट हैं, तमाम कानूनी और अखलाकी जाब्तों के तहत वैलिड है। जिस रूल के तहत इलेक्शन कराया गया उस रूल का अतलाक करते हुए वैलिड है, और उसके बाद संजरानी साहब जो उसके नतीजे में फाते करार पाए, इनको बना दिया गया, अनडिक्लेयर कर दिया गया। उसने जब रूल पढ़े तो उन्होंने भी वही पढ़े जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, और उसके मुताबिक तो ये 7 वोट जो गिलानी साहब के कैंसिल किए गए बिल्कुल कैंसिल नहीं है, लिहाजा अफसोसनाक दास्तान है। माजी में भी ऐसा होता रहा, अब उन दास्तानों में ये और इजाफा है, और ये इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, इस सारे निजाम के ऊपर एक धब्बा और इसकी बहुत बड़ी कमजोरी का इजहार है। हमारे लिए बदकिस्मती यह है कि लोगों का वोट के ऊपर, बैलेट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, इल्जाम के ऊपर इतमाद खत्म होता जा रहा है, या शायद हो चुका है, और ये मायूसी अल्टीमेटली किसी बड़ी तबाही का बायस तो बन सकती है, किसी बेहतरी का बायस साहब। ये तो अलमिया की बात है ना कि जब कोई जीत जाता है तो वोट पर एतमाद, अवाम ने हम पर एतमाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, हार जाता है तो लोगों का वोट पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। ये तो ट्रेंड है पाकिस्तान की सियासत का, और ये भी ट्रेंड है कि हारने वाला हार मानता नहीं है, चाहे वो सेनेट पोल्स हो या चेयरमैन या डेप्टी चेयरमैन सेनेट का पोल हो, वो हमने देख लिया है। लेकिन बहरहाल इख्तलाफ राय या एहतजाज आपका हक है, आपके पास कानूनी रास्ता क्या है सर, आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे आगे? तो हमने कल भी गुजारिश की थी, चेयरमैन साहब ने भी की थी, हमने भी की थी कि हम इस पे जो है वो अदालत में जाने का या अदम एतमाद लाने का या जो भी फैसला हुआ वो इंशाल्लाह एक आध दिन में उस पे अमल दरामद हम शुरू कर रहे हैं। आप शुरू करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेनेट पोल से पहले ही यानी सुबह के वक्त से ही एक वावेला मचना शुरू हो गया, और वावेला था खुफिया कैमरों का। कायरा साहब, आप वज़ीरे इत्तला'आत और नशरियात रहे हैं वफाक के, आप ये बताना पसंद करेंगे कि कैमरे क्या इतने ही खुफिया थे कि ढूंढने वाले ढूंढने की बजाय बस ऐसे दिखा रहे थे जैसे सामने लगे हुए हैं, तो वो तो शक्ल से ही CCTV कैमरे लग रहे थे, खुफिया कैमरे तो लग नहीं रहे थे, तो इस पर इतना वावेला क्यों और पहले क्यों प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने कायरा साहब? मेरे भाई, ये कैमरा जो आप देख रहे हैं ना, ये उस वक्त मीडिया ने जाके रिपोर्ट किया है या कैप्चर किया जब ये कैमरे सामने दिखा दिए गए, सामने कर दिए गए थे। अच्छा। कैमरे कोई टेलीविजन के पीछे, कोई उस जो टेबल था उसके नीचे, कोई किसी साइड पे, ये छोटे छोटे कैमरा, तो पेज के अंदर लगा हुआ कैमरा है, ये सारे कैमरे वहाँ इंस्टॉल थे। मीडिया तक पहुंचने से पहले या मीडिया के पहुंचने से पहले डिटेक्ट कर लिए गए थे, इसलिए आपको नजर आ रहे हैं, वरना ये खुफिया कैमरे ही। आपकी राय हो सकती है, जाहिर है आप लोग इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, आपका पूरा पूरा हक है, लेकिन राय तो फिर तलाल चौधरी साहब की भी है जिन्होंने बाकायदा कह दिया कि न्यूट्रल होने का मजा आया आपको बिलावल भुट्टो साहब, और उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब का जवाब भी आ गया।
लेकिन इन तमाम जो ओपिनियंस हैं उसके बीच में एक और राय तकवीत पकड़ रही है, और वो ये कि पीडीएम में फूट पड़ चुकी है। आप इसको नेगेट करेंगे या इसकी तस्दीक करेंगे कायरा साहब? देखिए ये बहुत छोटी बात है, इस तरह जो हुआ वो खत्म हो गया, आपस में रंजिश चलती रहती है। हम कोई एक जमात नहीं है, हम कोई एक क़यादत के तहत नहीं है। हर बंदा कभी ना कभी कोई कमजोर बात कर सकता है, लेकिन इस तरह की बातों से, इस तरह की गुफ्तगू से कोई इत्तेहाद नहीं टूट जाया करते। कायरा साहब हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा, अपने दीगर गेस्ट पैनलिस्ट को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जनाब अनवर मंसूर खान साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से है और आप नाराज़ रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप भी हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा, चेयरमैन सेनेट, डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ और इस इंतखाब के ऊपर पब्लिक में एक आम तासुर पाया जाता है और तजियाकार भी ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खान साहब ने एक बॉल पर दो विकेटें गिरा दी हैं, तो ये कितनी बड़ी सियासी शिकस्त है पीडीएम की और मौलाना फजल रहमान साहब की। हाफिज साहब देखिए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि मौलाना भाई हैं हमारे, लेकिन हमारे मशवरा न लेकर उन्होंने जिस अंदाज में 2.5 साल में जमीयत उलमा इस्लाम JUIFA को जिस अंदाज में उन्होंने बंद गली में पहुँचा दिया था, और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे भाई जो हैं वो नुमाइशी सदर हैं, क्योंकि बेटों का हक या तो बिलावल के हाथ में है या मरियम के हाथ में है, और आपने देखा कि किस अंदाज से उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरे ट्रैक को तब्दील कर दिया, और मौलाना फजल रहमान साहब के इस्तीफे जेब में ही रहे, और अब कल भी वो फरमा रहे थे डेरे इस्माइल खान में कि जनाब अब भी मैं चाहता हूँ कि इस्तीफे दें। मैं समझता हूं कि अगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती तो कम से कम अपना इस्तीफ़ा तो दे दें, पीडीएम के हवाले से या JUIFA के हवाले से दे दें, या फिर अपने जो अरकान हैं असम्बली के या सेनेट के और जो पार्लियामेंट के हवाले से उसको तो दे दें, ताकि कम से कम जो यूटर्न के हवाले से दूसरों पे इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम से ख़ुद बचा जा सके। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अल्टीमेट बेनिफिशरी तो किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और आपने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था हमारे शो के ऊपर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारा फ़ायदा उठा जाएगी, नून लीग भी रोती रहेगी और फजल रहमान साहब तो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। तो ये बात तो अब अपनी जगह पर वैलिड हो गई है कि इसमें फजल रहमान साहब का कोई किरदार नहीं रहा, अब चाहे वो नाम नेहाद या खुद साख्ता कायद बने रहे लेकिन उनके पास कोई पावर या अथॉरिटी नहीं है। हाफिज साहब क्विक कॉमेंट प्लीज़। सर देखिए, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ बेनिफिट हासिल नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम तर हिसाब भी चुका दिए। मुस्लिम लीग नून के साथ जितने भी पुराने हिसाब किताब था जरदारी साहब का, वो एक एक करके इस अंदाज में चुका दिया था। आपको याद होगा कि जिस शख्स के लिए वो यहाँ वोट मांग रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी का फ़ैसला भी खुद पीपल्स पार्टी ने किया, नंबर एक। फिर उसको गोद लेने पर पीडीएम को मजबूर होना पड़ा, उसके बाद फिर उन्होंने जब उसको सेनेट के लिए ले लिया गोद, फिर ख़ुद उन्होंने फ़ैसला किया पीपल्स पार्टी ने कि ये चेयरमैन सेनेट होगा, ये फ़ैसला भी पीडीएम का नहीं था, इस पे भी उसे गोद लेना पड़ा। और जनाब गिलानी साहब कौन सी शख्सियत हैं जिसके लिए ख़ुद कोट पहन कर जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो ख़ुद गए थे और उनको नाहल करार दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये हिसाब किताब बहुत ही पुराना जरदारी साहब रखते हैं अपने पास, और जिस तरीके से मरियम को उन्होंने बरसी पे बुलाकर जिस तरीके से नाक रगड़वा दिया था गड़ी खुदाबश में, ये पूरे के पूरे हिसाबात भी ले लिए और बेनिफिट भी ले लिया। और मैंने तो परसों उनको मिला भी कुछ नहीं था कि रेंटल मार्च, और उनको मिला भी कुछ नहीं, मिला भी कुछ नहीं। और फिर आपकी इजाज़त से हाफिज़ साहब कलामी की माज़रत चाहूँगा, मैं आपको मज़ीद मौका देता हूँ। जनाब अनवर मंसूर खान साहब काफ़ी देर से तवक्कुफ़ किए हुए हैं, मैं उनसे माज़रत चाहूँगा सर, आपको वेट करना पड़ा, लेकिन आपसे सवाल ये बनता है कि जिस तरह वोट मुस्तरद हुए हैं चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, वो हमारे सामने था, हमने देख लिया, और सारी चीज़ें पब्लिक के सामने ओपनली दिखाई जा रही थी कि वोट किस तरह मुस्तरद हुए हैं। अपोजिशन ने बड़ा वावेला मचाया और बिल्कुल चेयरमैन सेनेट की सीट के सामने जाकर मुसद्दिक मलिक साहब किस तरह से वावेला करते रहे, तो ये जो ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर तो जो डिबेट होगी वो पॉलिटिकल डिबेट होगी, लेकिन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या है
कि अगर अब सेनेटर के इंतखाब के लिए वोट मुस्तरद होते हैं तो वो हारने वाला एक्सेप्ट कर जाता है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अगर वोट मुस्तरद हुए हैं तो हारने वाला एक्सेप्ट नहीं करता। क्या लीगल मीन्स हैं इसके सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मसला क्या है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको क्लिप्स जाके देखें जी, तो मुजफ्फर शाह साहब ने इलेक्शन शुरू होने से पहले एक बयानिया सा था और एक डिटेल थी कि वोटिंग किस तरह से होगी। अगर आप उसको क्लिप को गौर से देखें तो उन्होंने, और जो सुने उसको, तो उन्होंने बड़े वजाहत के साथ ये कहा था कि एक खाना है, उसमें नाम लिखा होगा और नाम के सामने जो जगह बनी है, जो खाना है, उसके अंदर आपको मोहर लगानी होगी। ये बड़ा क्लियर उनका इंडिकेटर था कि एक जाकर आपने वोट कास्ट करना है, और सेनेट में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वहाँ पर कोई अनपढ़ आदमी होगा, वहाँ पर जो समझदार नहीं होंगे, बिकॉज वो जगह अपर हाउस जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से उनको लाया जाता है और पढ़े लिखे लोग हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, ये होने के बाद जी आप अगला इलेक्शन देखें डिप्टी चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन में सब ने सही जगह पे वोट भी कास्ट किया और एक भी इसमें मुस्तरद नहीं हुआ। Absolutely. अब ये जरा जहन में रखिएगा कि ये क्या हुआ क्या है। कानून जो है वो बड़ा वाजे है कि सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर आइडेंटिफाइबल वोट नहीं होना चाहिए। दो तरीके चीजें हैं, कोई निशान नहीं होना चाहिए, कोई मुख्तलिफ तरीके से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो वोट आइडेंटिफाई हो जाए किसी शख्स से या किसी कुछ लोगों से जी। यहां पर आपने देखें वो सात वोट हैं या आठ, सात वोट हैं जिसके अंदर उन्होंने नाम के ऊपर वो स्टैंप लगाया है। नाम पे स्टैंप लगाने का मतलब ये है कि वो किसी को बताना चाह रहे थे प्रोबेबली कि हमने ये वोट कास्ट किया है आपके लिए, और वो इंटेंशनली भी हो सकता है। बिल्कुल इंटेंशनली हुआ है, ये बहुत वाजे तौर पर इंटेंशनली हुआ है कि अगर उनको वाकई नहीं पता था तो फिर डिप्टी जो चेयरमैन के लिए किया है तो उसमें तो ये सात वोट नहीं आए हैं। न किसी ने वहां पर कोई ऐसा गलत वो लगाया है निशान। जी अपने मौजूद मेहमानान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। अपने मौजूद गेस्ट पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अरमान मंसूर साहब, के जिस तरह कैमरों के ऊपर वावेला मचाया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया बराह रास्त मुल्क की बड़ी मोतबर एजेंसीज के ऊपर, और उसमें नून लीग पेश थी, उन्होंने कहा कि जी ये कैमरे लगाए गए और हमारा वोट छीनने की कोशिश की गई, वोट चोरी करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो कैमरे क्या हाउस के अंदर सिक्योरिटी के लिए नहीं लग सकते? उसके ऊपर कानून या आईन क्या कहता है? और बूथ के आसपास जबकि विजिबल ना हो वो जगह जहां पर वोट कास्ट करने वाला वोट कास्ट कर रहा हो या स्टैंप कर रहा हो, तो फिर तो सिक्योरिटी के लिए तो कैमरे लग सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए वहां पर अगर आपको पता हो कि कैमरे पहले से लगे हुए हैं, ये पुराने लगे हुए हैं, खासतौर पर एक उन्होंने जो कैमरे की वो दिखाई थी वो तो ऊपर ऊंचा कहीं लगा हुआ था कैमरा, वो प्रॉबली पुराना कैमरा सिक्योरिटी का है, कैमरा जो लगा हुआ है और शायद उसे रिले भी करते होंगे। मगर वो जो मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैमरे जो हैं कोई ऐसा, बिकॉज मैंने खुद देखा नहीं है कि किस तरह से कैमरे लगे थे, मगर कैमरे सिक्योरिटी पर्पसेस के तो लगाए जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर यहाँ पर अब देखने की चीज ये है कि वो कैमरे खास तौर पर जाकर देखना और उनको निकालना कैमरों को, इससे जाहिर ये नहीं होता कि उनको शायद पता था कि ये लगाए गए हैं और लगा रहे हैं या कोई ऐसी एंगल पे उन्होंने किया है, आई डोंट नो कि कौन करता है। मगर ये है कि हाँ, दो चीजें नहीं कर सकते कि जहां पर के
कास्ट हो रहा है वोट अंदर, उस कास्ट के एरिया में जहां पर के उस कैमरे से वो कास्टिंग नजर आए वो लगाएं, वो तो नहीं कर सकते, मगर हाँ सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाना कोई उसमें हर्ज नहीं। कानूनी रास्ता क्या होगा, जिस तरह पीडीएम शोर मचा रही है और वो कह रहे हैं कि जी हम तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को और डेप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज करने के लिए किसी भी मुश्तैल अराकीन के जत्थे के पास क्या कानूनी रास्ता है? क्या वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? अनवर साहब, मेरे हिसाब से तो ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस अगर आप आर्टिकल 60 पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ ये है बेसिकली कि जैसे ही इलेक्शन होगा और ओथ ले लेंगे तो बाकी काम करने से पहले, बाकी प्रोसीडिंग्स करने से पहले हाउस जो है वो करेगी चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करेगी हाउस। इलेक्शन कमीशन इसका से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, तो इट इज अ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। जब प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है तो फिर आर्टिकल 69 है। आर्टिकल 69 बड़ी वजाहत के साथ ये कहता है कि कोई प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जो है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और ये प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ये इन हाउस चीज है और इन हाउस चीज को किसी कोर्ट में लेके जाके नहीं ले, और चाहे वो कितने ही प्रोसीजरली गलत हो, कल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और एक साबिक अटॉर्नी जनरल यहाँ पर इतना ओपन एंडेडली एक आर्टिकल के तहत ये बता रहे हैं कि प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वो आर्टिकल 69। जी प्लीज ये देखें, ये लिखता है आर्टिकल 69 सब आर्टिकल 1 कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट बी क्वेश्चन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इररेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। एब्सोल्युटली राइट, वाज़े लिखा हुआ आर्टिकल 69(1) में। तो ये बिल्कुल वाज़े है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस है ये इलेक्शन कमीशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये कोई और बाहर का इदारा करा रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो है वो दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट बिफोर एनी ट्रिब्यूनल और एनी अदर प्लेस। एब्सोल्युटली राइट जनाब अनवर मंसूर खान साहब, साथ रहिएगा। हाफिज हुसैन अहमद साहब, आपसे सवाल। अब पीडीएम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही है, पहले तो जो बात आप कर रहे थे उसको मुकम्मल कर लीजिएगा, और साथ में ये बता दें कि इनमें अब कोई दमखम बचा है इतने सारे थपेड़े और झटके खाने के बाद? हाफिज साहब, देखिए आपने कहा कि साथ में क्या बचा है, असल मसाला ही साथ का है। साथ का हिंसा ऐसा है कि साथ वहाँ रिजेक्ट हुए थे, साथ यहाँ रिजेक्ट हो गए। इस साथ में वहाँ साथ ने किसी का साथ दिया, यहाँ पर साथ ने साथ देकर भी साथ नहीं दिया। ये साथ का जो साथ है ये किसी के साथ नहीं चलता है, ये पैसों के साथ चलता है। तो ये मकाफात अमल का एक ऐसा नमूना था जो कौम के सामने भी आ गया, और मैं समझता हूँ कि ये इसी दुनिया में जो है वो बदला चुकाने का एक ऐसा मज़ाहरा अल्लाह ने सामने कर दिया, और अब भी वक्त है कि दोनों पार्टियां मिलकर अपोजिशन इसी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके पास दो इदारे ऐसे हैं ऐवान बाला और ज़हरीन, उसमें बैठकर आज भी वो अपने मुस्तकबिल नहीं बल्कि अपने बच्चों, कौम और जमहूरियत के मुस्तकबिल और आइंदा वोट के तकद्दस को महफूज रखने के लिए कानून साजी कर सकेंगे, वरना फिर यही गाड़ी चलती रहेगी। कभी साथ का इंसा यहाँ जीतेगा, कभी साथ का इंसा किसी का साथ देगा, और ये मामलात होते जाएंगे। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है तो ये काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। ये पिछले 19 के नवंबर से लेकर अब तक जो मसूरत हाल है, यही बात हम मौलाना फजल रहमान साहब भाई को समझाते रहे कि इन तेलों में तेल नहीं है, और ये लोग अपने मफादात के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से मामलात को आगे बढ़ेंगे। आज़ादी मार्च का जो बेनिफिट था वो यकीनन जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से सामने आया,
और उससे वो मुस्तफ़ीद हो गए जो आज भी वो बैठे हैं वहाँ से भाषण दे रहे हैं। अगर वो आज़ादी मार्च ना होता तो उसके लिए वो चीज़ न की जाती है। और मैं बरमला ये कहूँगा कि उसमें हमारे वो इदारे भी मुलविस हैं जो एनआरओ मुशर्रफ के दौर में दिया गया था और उसके बाद इस वक्त भी दिया गया, जिसमें ये तय था कि मरियम साहिबा भी जाएंगे और 5 साल तक के जनाब इमरान खान साहब को नहीं छेड़ा जाएगा। बात कहाँ बिगड़ी, 11 महीना ट्विटर भी खामोश रहा, वो भी खामोश रहे, लेकिन मुकदमात आगे नहीं बढ़े और ECL से जो है नाम नहीं निकल सका मरियम साहबा का, तो फिर बाद में शुरू हुआ। अभी आपको याद होगा एक छोटी सी सर्जरी की बात की गई थी जी, जी, जी। और वो सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था, उसमें जाने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ सर्जरी से जब दाल नहीं गली तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साने के हवाले से एक बात सामने परसों से आ रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मरियम साहबा को लंदन नहीं भेजा गया तो उसकी जान को ख़तरा है। और फिर कप्पे पाकिस्तान की बात, मुस्लिम लीग नून लंदन नहीं करेगी, तो ये बात चल रही है कि जो जो करीब आ रहा है। आपको लगता है, आपको लगता है हाफिज साहब के मरियम नवाज साहबा मुल्क से बाहर चली जाएंगी, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, यानी इसका बेनिफिट किसको होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि 1 मार्च में वालिद साहब तशरीफ ले गए थे बीमारी के हवाले से, अब 2 मार्च में ये चले जाएंगे और पूरा ख़ानदान जब वहाँ मुकम्मल होगा, डार साहब तो वैसे भी वोट डालने भी नहीं आए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो रेंटल जिसको मैंने कहा था उससे फवायद जो हासिल किए जाएंगे वो फिर सारे के सारे यही कुछ फवायद पीपल्स पार्टी ने अपने लिए हासिल किए, कुछ मुस्लिम लीग नून ने हासिल की और कुछ इस बाकिया रेंटल से हासिल किए जाएंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब को फिर हमारे ही पास आना पड़ेगा, और हम उन्हें कई कल भी कह रहे थे कि आपकी जगह वो नहीं है कि आप दो बच्चों के दरमियान में अपनी इज्जत और वक़ार का इस अंदाज में जो है मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दे। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते, आप तो दे सकते हैं PDM के सदारत से, JUI से। देखिए यहाँ पर तो जो इखलाकियात होते हैं कि अगर 2.5 साल 3 साल गुजरने के बाद भी आपके तमाम तर जो प्रोग्राम थे फेल हो गए, आपके लोग वहाँ पर 13 दिन इंतज़ार किया। और मैंने एक और भी इनको सजेशन दी थी कि आप 26 मार्च के बजाय अपने वर्करों को JUI के ना निकाले बल्कि 29 को निकाले, 3 दिन आप उनको दे दें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। हाफिज हुसैन अहमद साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ चुका है सर। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम क्योंकि आपकी सारी बात खुल के आ गई और आपने जो रेंटल मार्च कहा उस रेंटल मार्च में एक और बात भी खुलकर सामने आ गई कि ये मरियम नवाज साहिबा के जाने से मशरूत होगा। ये मेरे लिए 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक मंसूर खान साहब ने दी, एक आपने दी, बड़ी खबर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल कायरा साहब से मैं करता जाऊंगा। कायरा साहब, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, टाइम पे होगा, धरने में बदलेगा या नहीं बदलेगा? लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा और अपने वक्त पे भी होगा और भरपूर भी होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब कमर जमान। कायरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब खान साहब आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बड़ी खबरें अनवर मंसूर खान साहब ने कह दिया और ये कहा कि जो चीज़ प्रोसीडिंग इन हाउस की सूरत में सामने आती है उसको ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ना इलेक्शन कमीशन और ना ही किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। कल से मुसलसल यही वावेला मच रहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो ये कानूनी माहरीन है जो कह रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब कहते हैं कि 1 मार्च के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, अब जो 26 मार्च को मार्च हो रहा है उसके नतीजे में मरियम नवाज बाहर जाएंगी। ये 2 एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं हमारे पास आज के प्रोग्राम से। जमील फारूकी को जा दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।